Hello everyone, welcome to Unacademy and welcome to this class and welcome to this new channel that is Gate NEC Mechanical Intern. देखिए सबसे पहले इस चैनल के बारे में आपको बताऊंगा क्या है Gate NEC Mechanical Intern. तो बेसिकली Gate NEC Mechanical Intern Unacademy का एक नया YouTube चैनल है. Intern का मतलब है जिसमें कोई भी वीडियो आपको 10 मिनट, कोई भी टॉपिक आपको 10 मिनट के अंदर सिखाया जाएगा. कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक, अलग अलग टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक्स वीडियो बनेंगे, हजारों टॉपिक वीडियो बनेंगे जिसमें हर सभी वीडियो का मैक्सिमम लेंथ जो होगा ना 10 मिनट का ही होगा. 8 मिनट, 9 मिनट या फिर 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा होगा. उस 10 मिनट में क्या होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया जाएगा, उसको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा. इसका मतलब आप कम टाइम में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को आप सीख सकेंगे. सो ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा. चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे मेरे बारे में. माय नेम इज मुकेश कुमार शर्मा, पूरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है. आई एम अ प्लस एजुकेटर फॉर गेट एन ईएससी अन अकेडमी. अब देखेंगे 1K से ज्यादा फॉलोअर्स, 104 से डेडिकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑल योर लव एंड सपोर्ट. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. साथ ही साथ देखिए, आई हैव मोर देन 7 टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर गेट ईएससी फॉर मैकेनिकल सिविल एल्युमिनियम ऑफ आईआईटी खड़गपुर. ट्रेन मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स टिल नाउ फॉर राइट गेट ईएससी विथ ऑल नियर रैंक 3,900 बहुत सारे स्टूडेंट है. नेक्स्ट टाइम यू शुड बी इन दिस लिस्ट. राइट, आई एम प्लस एजुकेटर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. आप देख सकते हैं ये सभी मेरे सब्जेक्ट्स हैं. उसके बाद आप मुझे फॉलो करने के लिए डायरेक्टली इस लिंक को कॉपी करेंगे और मुझे फॉलो करिए, वीडियोस को आराम से देखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. माय टेलीग्राम चैनल इज MS11 Unacademy मेरा टेलीग्राम चैनल है. डेफिनेटली इस पे जितने भी फ्री वाले वीडियोस होंगे सबके अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सभी के अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. आराम से आप लिंक टाइम सब आराम से लाइव क्लास में पहुंच सकते हैं. डेफिनेटली ज्वाइन टेलीग्राम चैनल. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए अगर आप बात करेंगे, सो अनअकैडमी इज द बेस्ट. अनअकैडमी सबसे बेस्ट, सबसे लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म है फॉर गेट ईएससी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, अदर टेक्निकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए. तो वैसे कंडीशन में सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है 5,000 में, 3 मंथ्स का 12,500 में, 6 मंथ्स का 20,000 में, 12 मंथ्स दैट इज फॉर वन ईयर 25,000 में और 2 ईयर्स के लिए आप देखेंगे तो ये आपका 30,000 में आ गया है. सभी पे आपको 10% ऑफ मिलेगा बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड. जिस समय आप पेमेंट कर रहे होंगे, जिस समय आप सब्सक्राइब कर रहे होंगे, पेमेंट कर रहे होंगे, उस समय आपको रेफरल कोड MS11, M फॉर मुकेश, S फॉर शर्मा 11 आपको यूज करना है और उसके बाद डेफिनेटली आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 27,000 में आपको मिल जाएगा फॉर 2 ईयर्स अनलिमिटेड. सब कुछ मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा. जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा. पूरा अनअकैडमी ओशियन ऑफ एजुकेशन आपके लिए रहेगा पूरा. किसी भी फैकल्टी को फॉलो करिए, कुछ भी नोट्स डाउनलोड करिए, कितना भी पढ़िए, टेस्ट सीरीज वीरीज डाउट सब कुछ दैट मीन्स एवरीथिंग. चलिए ठीक है, आज के सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं और ये मेरा फोन नंबर है. डेफिनेटली इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 8927371114. चलिए आगे बात करेंगे. आज का टॉपिक जो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बार्स के बारे में बात करेंगे. देखिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बार्स क्या होगा, वन बाय वन देख लेते हैं. सबसे पहले देखेंगे सीरीज को, देख लेंगे सीरीज वाला टॉपिक कैसा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बार कैसा होगा उसके बारे में बात करेंगे. देखिए सीरीज में क्या होता है, आपके पास इस तरीके से बार लगा हुआ होगा. देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक बार आपके पास यहाँ पे लगा हुआ है, फिर दूसरा बार मान लीजिए यहाँ ऐसा लगा हुआ है, उसमें मान लीजिए तीसरा लगा हुआ और सिंगल लोड का मान लीजिए यहाँ पे ऐसा पी लगा हुआ है. वैसे कंडीशन में क्या होगा, ये फर्स्ट वाला पोर्शन, ये सेकंड वाला पोर्शन और ये थर्ड वाला पोर्शन हो जाएगा. अलग अलग इनका लेंथ हो सकता है, इट में भी L1 L2 हो सकता है, इसका लेंथ L3 हो सकता है, इसका एरिया इट में भी A1 हो सकता है, इसका एरिया A2 हो सकता है, इसका एरिया A3 हो सकता है. बट ये A1 A2 A3 L1 A2 L3 सेम भी हो सकता है, यंग्स मॉडल्स अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. उसके अलावा अगर बात करेंगे तो उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज का मतलब भी होता है, सीरीज का मतलब होगा सेम लोड. सीरीज का मतलब हो जाता है सेम लोड, तीनों पे जो लोड का वैल्यू जो होगा सेम लोड हो जाएगा. दैट इज पहले वाले सेक्शन में P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P, सभी सेक्शन पे लोड सेम होगा. P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू P हो जाएगा. बट डेल्टा L1 अलग अलग हो सकता है, डेल्टा L1 राइट मे और मे नॉट बी इक्वल टू डेल्टा L2, मे और मे नॉट बी इक्वल टू डेल्टा L3, इस तरीके से हो सकता है. बट डेल्टा L टोटल अगर निकालना हो, डेल्टा L अगर आपको अगर टोटल अगर निकालना हो, एडिशन ऑफ ऑल थ्री, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, इस तरीके से ऐड करेंगे. तो सिर्फ ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा सीरीज के लिए, पहला लोड जो होता है वो सेम होता है, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट. दूसरा डेल्टा L टोटल जो होता है तीनों को ऐड करके आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा. बहुत ही सिंपल ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बात के लिए. 2 इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ध्यान रखना है, या फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट
और ये सेकंड वाला इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, इतना ही आपको खाली याद रखना पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और डेल्टा एल का फॉर्मूला तो आपको पता है, पी एल डिवाइड बाई ए ई लगा लीजिए, तो उसको ऐसा लगा लेते हैं यहाँ पे देख लीजिए, दैट इज पी इंटू एल वन डिवाइडेड बाई ए वन इंटू ई वन लगा लेते हैं यहाँ पे, प्लस लोड तो सेम होगा पी इंटू एल टू डिवाइडेड बाई ए टू इंटू ई टू, लेकिन अगले वाले में भी लोड सेम होगा पी इंटू एल थ्री डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ए थ्री इंटू ई थ्री हो जाएगा, इस तरीके से लगा सकते हैं डेल्टा एल टोटल अगर आपको निकालना है तो। नेक्स्ट अगला बात करेंगे दैट इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा होगा। तो अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर आप देखते हैं, अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे तो इस तरीके से जाकर देख लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप देख लिया और मान लीजिए इस तरीके से आ गया आपके पास, अगर इस तरीके से आपके पास आ जाता है, सपोज हियर वी हैव लाइक दिस सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे आपके पास अगर एक यहाँ मान लीजिए रॉड है और यहाँ पे मान लीजिए आपके पास अगर दूसरा रॉड है, सपोज हियर वी हैव सेकेंड वन, और ये दोनों जो है दोनों एक बीम को सपोर्ट दे रहे हैं, इस तरीके से हैंग किया हुआ है, रिजिड बीम है ये वाला, आपके पास रिजिड बीम है, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ आपके पास L2 है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, सो हियर वी हैव एरिया A1, हियर वी हैव एरिया A2, इसका यंग्स मटेरियल E1, इसका यंग्स मॉडुलस आ गया आपके पास E2 आ गया है। वैसे कंडीशन में अगर दोनों में पूछा जाएगा, फर्स्ट वाले बार में और सेकंड वाले बार में पूछा जाएगा, और मान लीजिए यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो इस तरीके से लगा हुआ है, लोड इज एक्टिंग एज पी, पी लोड इस बार लगा है, वैसे कंडीशन में पूछेगा व्हाट इज, वैसे कंडीशन में कोई पूछ लेता आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू, ये फर्स्ट वाला जो बार है आपके पास, फर्स्ट वाला बार है और सेकंड वाला जो बार है, अगर कोई पूछ लेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड इन द फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाले में कितना लोड है, क्वेश्चन ऐसा आएगा फर्स्ट वाले में कितना लोड है या सेकंड वाले में कितना लोड है, ऐसे लोड पूछ के आएगा, या फर्स्ट वाले में कितना स्ट्रेस है ऐसा पूछ के आएगा, सेकंड वाले में कितना स्ट्रेस है ऐसा पूछ के आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, पहला इक्वेशन जो बनेगा फर्स्ट इक्वेशन, वो टोटल लोड जो पी जो होगा वो P1 प्लस P2 के बराबर हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऐसा बनेगा। दूसरा इक्वेशन बनाना बहुत ही सिंपल है, दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा दोनों का जो डेल्टा L होगा, डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2इज इक्वल टू डेल्टा L2, यानी P1 L1 डिवाइडेड बाय A1 into E1 जो होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू P2 into L2 डिवाइडेड बाय A2 into E2 जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन, हियर वी हैव सेकंड इक्वेशन। तो आप देख लीजिए ये दूसरा इक्वेशन आ गया है, ये आपके पास पहला इक्वेशन था, बाय सॉल्विंग वन एंड टू, दोनों इक्वेशन में दो चीज अननोन है, P1 P2 अननोन है, बाकी सब चीज तो नोन है आपके पास। दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं, और ये पैरेलल के लिए टोटल लोड का इक्वेशन हो गया, दैट टोटल लोड P इज इक्वल टू, टोटल लोड P इक्वल टू पहले वाले लोड P1 आ जाएगा, दूसरे वाले लोड कितना आ जाएगा बताइए P2 आ जाएगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2 पहला इक्वेशन, दूसरा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, जितना इसका इलॉन्गेशन होगा उतना इसका इलॉन्गेशन होगा, इस तरीके से बाय सॉल्विंग 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, बाय सॉल्विंग 1 एंड 2 अगर आपने सॉल्व कर लिया, बाय सॉल्विंग 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P1, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P2, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, P1 आ गया P2 आ गया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1, सिग्मा 1 अगर कोई पूछेगा तो P1 डिवाइडेड बाय एरिया 1, सिग्मा 2 अगर कोई पूछा तो P2 डिवाइडेड बाय एरिया 2, सिंपल इस तरीके से आराम सब कर दिए। तो आप देखेंगे कभी भी सीरीज एंड पैरेलल पूछेगा तो बहुत ही आसान तरीका, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए सीरीज एंड पैरेलल में, पैरेलल सीरीज की बात करेंगे, सीरीज में अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, सीरीज में अगर आप देखेंगे तो वैसे कंडीशन आप देख सकते हैं कि सीरीज में आपका जो होगा लोड सेम हो जाता है और डेल्टा एल टोटल ऐड करने से आता है। अच्छा दूसरी बार भी मैं सीरीज लिख दिया हूं गलती से, शायद यहां मुझे पैरेलल लिखना था, हियर वी हैव पैरेलल, हियर वी हैव पैरेलल, ये पैरेलल लिखना था मुझे। तो पैरेलल में आप देखेंगे दो इक्वेशन, पहला ये वाला इक्वेशन और दूसरा ये वाला इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास P1 P2 आ जाएगा, उसका सिग्मा 1 और सिग्मा 2 भी आ जाएगा, बहुत ही सिंपल। आई होप यू हैव एंजॉयड लॉट, 10 मिनट के अंदर वीडियो ये टॉपिक आप सीख गए होंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बार, इस तरीके से आराम से एग्जाम में लगाइए, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिए। ओके बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वाले इंटरव्यू वीडियोस में, ओके बाय ऑल ऑफ यू।